फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर मानसून के महीने में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां देखने को मिलती है। अगर आप भी यहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो मानसून के समय में ही जाएं, ताकि आप यहां पर अधिक से अधिक फूलों को देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फूलों की घाटी, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, भारत में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। यह मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अंदर फूलों की घाटी बसा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित इस घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। चारों तरफ से हिमालय से घिरी इस खूबसूरत घाटी को भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। गौरतलब है कि यह घाटी हर वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच पर्यटकों के लिए खोली जाती है। इस घाटी में फूलों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जेरेनियम, प्राइमुलस, ब्लू बेल और एनीमोन जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। यहां उत्तराखंड का राजकीय फूल ब्रह्मकमल सबसे अधिक देखा जाता है। 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली इस घाटी में फूलों के अलावा दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी और जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। यहां मौजूद पुष्पावती नदी, झरने, ग्लेशियर और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। रामायण में भी इसका जिक्र है। कहा जाता है कि जब मेघनाथ के साथ युद्ध लड़ते हुए लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तब उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी यहीं से ले गए थे। अब जानते हैं कि फूलों की घाटी की खोज आखिर किसने की। इस घाटी का पता सबसे पहले फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी आरएल होल्सवर्थ ने लगाया था, जो पेशे से एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। जब ये लोग 1931 में अपने एक सफल अभियान से वापस लौट रहे थे, तो इन लोगों ने अपना रास्ता खो दिया और इस घाटी में उपस्थित सुगंधित फूलों से आकर्षित होकर यहाँ आ गए। फूलों के इन खूबसूरत नजारों से आकर्षित होकर फ्रैंक स्मिथ ने इसे फूलों की घाटी का नाम दे दिया। उन्होंने 1937 में वैली ऑफ फ्लावर नाम की किताब लिखकर दुनिया को इस घाटी के बारे में बताया था, जिसके बाद यह स्थान दुनिया की नजर में आया। अब बात करते हैं कि फूलों की घाटी जाने का सबसे अच्छा समय कब होता है। फूलों की घाटी भ्रमण के लिए मानसून के महीने यानी जुलाई, अगस्त व सितंबर को सर्वोच्च माना जाता है। इन महीनों में इस घाटी में जाने पर 500 से अधिक फूलों की प्रजातियों को देखा जा सकता है। यही कारण है कि यह घाटी बागवानी विशेषज्ञों और फूल प्रेमियों के लिए दुनिया भर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। इस घाटी में घूमने के लिए फूलों के बीच एक रास्ता बनाया गया है, ताकि आप इस मार्ग से घाटी के सभी जगहों पर आसानी से जा सके। फूलों की घाटी में अंदर जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको अपना एक आईडी कार्ड और ₹150 प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा, तभी आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। फूलों की घाटी कैसे पहुंचे? यहां पर आने के लिए सबसे पहले आपको जोशीमठ आना पड़ेगा, जो फूलों की घाटी का सबसे नजदीकी और प्रसिद्ध शहर है। फूलों की घाटी का नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट है, जिसकी दूरी जोशीमठ से करीब 268 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। देहरादून से जोशीमठ बस द्वारा बिना किसी परेशानी के पहुंचा जा सकता है। जोशीमठ पहुंचने के बाद फूलों की घाटी जाने के लिए सबसे पहले आपको बस या शेयर टैक्सी से गोविंद घाट आना पड़ेगा और गोविंद घाट से 4 किलोमीटर आगे घंगरिया की तरफ पुलना गांव आना होगा, जो फूलों की घाटी का सबसे निकटतम सड़क बिंदु है। पुलना पहुंचने के बाद आपको घंगरिया जाना होगा, जो पुलना से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घंगरिया से फूलों की घाटी करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पुलना से फूलों की घाटी, जो कि लगभग 10 से 11 किलोमीटर है, इस दूरी को आपको पैदल ट्रैक करके ही जाना होगा। घंगरिया से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर श्री हेमकुंड साहिब स्थित है, जहां पर आप चाहे तो फूलों की घाटी की यात्रा करने से पहले या बाद में जा सकते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जाने के बाद वहां रात में ठहरने की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वहां घूमने के बाद आपको वापस घंगरिया में आना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो आप एक दिन घंगरिया में रुकें और वहां से अगले दिन सुबह फूलों की घाटी जाने के लिए अपने यात्रा की शुरुआत करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।